देख सकते हैं ये है ब्लॉग, अपना ब्लॉग। तो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ याद आया गाइस, ये है गली जहाँ पे लोग स्टूडेंट्स कम से कम भी 15 साल पहले आया करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, आज बड़े हो चुके हैं गाइस। हम लोग का ये है बचपन का क्लास, ये जो क्लास है अपना, इसी में मैंने बचपन की पढ़ाई करी है। नर्सरी ए का क्लास ये था और थर्ड क्लास ये है। वो घंटा
है, किसी को अंदाजा नहीं होता। और बताना चाहूंगा गाइस, अभी पूरा वक्त मतलब दोनों लोग अभी पूरा वक्त नहीं दे पाते हैं YouTube पर, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जल्द, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा समय लगेगा, बस कुछ ही समय में पूरा वक्त देंगे YouTube पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार वीडियोज आएंगे आप पास, जो आप देखेंगे भी और बहुत ही कम चीपेस्ट में ट्रैवल भी करेंगे। और मेन पर्पस हम लोग का ट्रैवल का ये था, व्लॉगिंग बनाने का, मैं आज आपको बता दूं खुल के, कि हम लोग को खुद बचपन से हम लोग ट्रैवल का सपना देखते थे। हम लोग मतलब ज्यादा दूर तो नहीं कहना चाहूंगा, इसे आगरा और गोवा भी हम लोग जा चुके हैं शुक्रवार वाले का, लेकिन हम लोग छोटी बात करते थे, जैसे कि आगरा चलेंगे, तो हम लोग के सपने आगरा के लिए भी बहुत होते थे, क्योंकि उस समय इतना सब देखा नहीं था। लेकिन अब तो कोशिश यही रहेगी आप लोग का, अगर और हम लोग रहा तो अब की हम लोग फॉरेन कंट्री भी करेंगे, और बहुत जल्दी करेंगे, आप देखेंगे हम लोग के ही चैनल पे, बस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। बस हम लोग का सपना बचपन से था, जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग का दो मंजिल पर मतलब क्लास था, तो वहाँ से एक नज़ारा दिखता था नदी का, तो हम लोग पढ़ते भी रहते थे, और वो सीन भी मन में आता रहता था कि नदी के किनारे कितने लोग टहल रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। एक दिन हम लोग ने भी डिसीजन लिया था कि एक दिन हम लोग पूरी दुनिया घूमेंगे, तो वही प्लेटफॉर्म पर हम लोग मेहनत करते हैं, और आज एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग पूरा होल वर्ल्ड घूमेंगे। लेट आए गाइस यूट्यूब पे, थोड़ा सा लेट आए, बस क्या कारण रहा है वो मैं भी नहीं समझ पाया, थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन शुक्र है प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, और आने वाले समय में बहुत अच्छी आपको वीडियोस मिलेंगी हम लोगों के चैनल पे। बस दोनों चैनलों पे प्यार बनाए रखिएगा, ज़्यादातर वीडियोस हम पर बता दूं, ब्लॉग में कुछ भी हम लोग गलत नहीं डालते हैं, ना ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी देते हैं गाइस जेन्युइन देते हैं, रियल देते हैं। आप एक बार ट्राई भी करिएगा तो भी देखिएगा, मतलब हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, कुल मिला के बजट वाला ट्रैवल रखते हैं, क्योंकि हम लोग खुद बजट में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोग को घूमना। और हम लोगों ने फ्लाइट की भी वीडियो बनाई है, फर्स्ट टाइम जिसको फ्लाइट पे बैठना, फर्स्ट टाइम फ्लाइट हम लोग ने बनाई थी गाइस आगरा की, बहुत तो बहुत अच्छा लगा अच्छा था, उसमें प्यार भी बहुत ज्यादा मिला था, है ना, बहुत ज्यादा प्यार मिला था, और जयपुर से दिल्ली वाली बस का भी प्यार मिला था, उसमें भी बहुत लोगों ने कमेंट करा था, तो कमेंट का मैं तुरंत जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट का जवाब, आप लोगों का कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा करिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा, बस आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बस यही है, आप लोगों का प्यार है तो और भी अच्छी वीडियो आएंगी, और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। तो चलिए अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट जगह पे, जहाँ आपको मैं अपनी और यादें दिखाता हूँ, तो वहाँ चल के कुछ बातें होती हैं, क्या बोलते हो, चला चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यही ग्रास फॉर्म था, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो आप चल रहे हैं अपने स्कूल की तरफ, और अपने स्कूल का रास्ता भी मैं आप लोगों को क्लियर दिखाऊंगा, ताकि आप भी कभी आओ और हम लोग से मिलना चाहो। हम लोग के स्कूल के रास्ते कई जगह से हैं, ये नहीं कि यहीं से भी है, इधर से भी रास्ता है, और एक बैक साइड रोड पे भी रास्ता है, और एक सिविल लाइन तरफ से भी रास्ता है, कई रास्ता है हम लोग के स्कूल की, और छोटा सा स्कूल है तो अच्छा लगेगा, अब मौका मिला तो अंदर भी चलेंगे, कोशिश करेंगे कि अंदर चल के आपको दिखाए अपना स्कूल, अपना क्लासरूम दिखाएंगे।
जब प्रेयर धूप वगैरह होती थी तो प्रेयर बाहर भी होती थी। और ये क्लासरूम था हम लोग का, और शायद ड्राइंग का रूम हम लोग का अंदर था शायद, है। और ये ऊपर क्लास में पढ़े, लेकिन ऊपर जब क्लास में पढ़े थे तो सिक्स सेवन्थ एट पढ़ा था, लेकिन उस समय उतना मज़ा नहीं था। लेकिन जो बचपन की यादें थी वो नीचे ही थी गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे, अब यहाँ पे कोई रहने लगे। तो गाइस यही था एक कुछ सीन हम लोग के पुरानी यादें स्कूल का। और इसके बाद जो है ये प्रिंसिपल का रूम है, कि यहाँ प्रिंसिपल सर बैठते थे, रजनीश शुक्ला। हाँ, ये कार्यालय था और यह हम लोग का ऊपर का था, लेकिन आज अफसोस थोड़ा सा ये भी रहा कि ये बनता, वरना मैं आपको
डरते थे, रोते थे, लेकिन जो हम लोग के दोस्त थे, कसम से बता रहा हूँ, बहुत बहुत जिलाते थे हम लोग को, और हम लोग ने भी उन लोग
वो पुराना है। ये भी मूर्ति बहुत पुरानी है जो हम लोगों ने तो शायद लिखा ही का नहीं था कभी। हैं लिखा तो आज याद रहता है, कुछ लिख के जाना चाहिए। ये लिखा हुआ है ये बहुत पहले का लिखा हुआ था जब हम लोग पढ़ते थे। शायद घड़ी आज भी वही घड़ी वो लगी होती है जहाँ पहले लगी रहती थी। कोई खुला तो नहीं दरवाजा? देखिए नहीं खुला, ये वाला खुला नहीं खुला है। So guys, कुछ चेंजेस हुए हैं अपने स्कूल में, कुछ चेंजेस नहीं हुए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नल हुआ करता था ना, तो आज नल लगा है। इस नल में हम लोग पानी पिया करते थे गाइस, नल टूट चुका है। इसी बोर्ड पे यहाँ बाहर लिख दिया जाता था कि कल छुट्टी है, किस त्यौहार पे छुट्टी, कब तक क्या रहेगी। मतलब इसमें स्कूल में मैं फिर से बताता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और कुछ ज़्यादा नहीं दिखा सका लेकिन इतना ही आपको दिखाया। यहीं पर ठेले लगा हुआ करते थे हम लोग का इंतज़ार, मतलब इमली चूरन वाले जो बेच, इमली चूरन जो बेचा जाता था वो यही सब बिकता था। यकीन नहीं करेंगे, हम लोग उस समय घर से 5 रुपए 10 रुपए लेके आते थे। मतलब 10 रुपए इतना, 10 रुपए बहुत है, 2 रुपए 1 रुपए तो गाइस 1-2 रुपए भी अगर लेके आते थे 2 रुपए में झिल्ली भर के सामान हो जाता था, बहुत कुछ हो जाता था। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मतलब यार 1-1 रुपए का सामान आता था। ये है कुछ अंदर का नज़ारा, ये मेज भी बहुत साल पुरानी रखी हुई है। ये भी है, ये हम लोग का एग्जिट था, अभी ऑफिस हो चुका है। पहले हम लोग कुछ वो अंडरग्राउंड भी बना हुआ है। इस गलियों में हम लोग का बचपना गुजरा है। पीछे नदी है गाइस, पीछे नदी थी, मगर अब पीछे का एरिया जो है बहुत ज़्यादा गंदा था। अभी यहाँ से क्यों ले लिया यार, यहाँ से। यहाँ से कहाँ ले, जानने वाले लोग रहते हैं। घबराते क्यों यार, अब तो छोड़ तो उससे क्या मतलब। वही तो यार, पोते पोती खुदा, पोते खुदा, बाद आज कुछ मज़ा आ गया है ना। अच्छे अच्छे आज बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं, आपको दिखा दूँ GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का कुछ सीन, जहाँ पे मैंने अपना 9-12 पास आउट किया है, और वहाँ भी कुछ अच्छा साल गुजरा है मेरा। ये रेनू महेश कॉलेज था ना, रेनू महेश का कॉलेज था, बस ये रेनू महेश का कॉलेज स्कूल था ना, स्कूल अभी स्कूल बंद हो गया। ये रेनू महेश का हॉस्पिटल है, पीछे हॉस्पिटल था जो निकल गया। बता दूं गाइस, अभी करंटली इनकी डेथ हुई है शायद 1 वीक पहले हार्ट अटैक से। और ये नया खुल गया है, यहाँ पे पहले कुछ नहीं हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ सन्नाटा हुआ करता था और मैदान हुआ करता था। और ये है चौराहा, हम लोग यहाँ पर भी आया करते थे बचपन में, आते अभी भी हैं, मगर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाते। और ये है GIC का चौराहा, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है सीतापुर गाइस, बता दूँ, और काफ़ी कम टाइम में आप पूरा सीतापुर कवर कर सकते हैं। हो गई अभी 4-5 दिन पहले, ऑपरेशन करके निकले, अटैक आया, ख़त्म हो गया सीधा। तो ये गाइस है आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरा, मेरे पापा ना जॉब करते थे। मैं पापा को बहुत देखता था यार, बहुत देखता था, हम डेली नमस्ते करता था पापा को। ठीक 7,000 पता है, 7,000 रुपये महीना है। हाँ पापा का मात करता। तो गाइस ये है हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और ये यहाँ पे फील्ड पड़ी है, यहाँ टूर्नामेंट अक्सर होते हैं। और ये मेरा कॉलेज था, सामने आप देख रहे हैं गेट था, यहाँ मैंने 9th-12th पास आउट किया था। ये भी काफ़ी पुराना है इसी इंटर कॉलेज से, और ये छोटा गेट है, ये जब कॉलेज खुलता है तो पूरा गेट खुल जाता है।
और मैं तो आपको दिखा दूंगा अंदर कुछ ऐसा है नहीं, सारे चाबी लगा है, चाबी चाबी निकाल ले। अरे पक गाइस, हाई स्कूल के पेपर मैंने यहीं से दिए थे, अपने हाई स्कूल के पेपर जो होते हैं बोर्ड के एग्जाम, सेंटर यहीं पे पढ़ा था। तो ये स्कूल है यहाँ पे, ये लो बना तुम्हारा स्कूल है। तो गाइस ये लाइब्रेरी थी हम लोगों की, और ये कमरे, हाँ यहाँ ये हम लोग की लाइब्रेरी थी, यहाँ किताबें वगैरह रखी होती। जो लैब बनी है फिजिक्स केमिस्ट्री की, इसमें कुछ नोट चोर हो गया था क्या? मतलब ये मतलब बाहर से सील क्यों कर दी गई है? नहीं, ये करंटली शुरू से सील्ड थी, और ये कम्युनिटी हॉल बना है। जानते थे भाई, जब हम लोग यहाँ पे मैच खेलते थे, यहाँ पे मैच खेलते थे इस फील्ड में, तो बॉल ऊपर चली गई थी तो हम लोग डर गए थे कि सील बंद है। हम लोग उठा के आज ही ले आते हैं बॉल। और यहाँ तो अब तो गाइस बहुत ही डेवलप हो गया, अब तो यहाँ कंप्यूटर क्लासेस भी हो गई हैं स्टार्ट, और बहुत कुछ स्टार्ट हो गया है। सब ये वाला एरिया खुला था, इधर तरफ से रास्ता भी होती थी, अब वो कॉलेज के सामने अंदर क्लासेस थी हम लोगों की, और यहाँ भी पढ़ाई करी, बहुत अच्छा समय बीता है इस कॉलेज में हम लोग का। मतलब मेरा आयुष तो इसमें नहीं पढ़ा, आयुष का दूसरा था, तब ये आता था मुझसे मिलने, आता जरूर था उस समय भी। एक चीज बता दूं, मेरी नानी का घर यहीं पीछे ही है, पीछे ही था घर, तो टहलने के लिए आते थे, मतलब मिलता जरूर था साथ में। हम लोग ने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए थे कुछ कारण, और लेकिन हम लोग की दोस्ती तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और ये कुछ यादें थी, ये बंद कर दिया गया, पता है तुम्हें? यहाँ से रास्ता बंद कर दिया, यहाँ सब डेवलप होगा, वहाँ के लोग यहाँ आ जाते थे ना, तो यहाँ जाने नहीं देते। पहले यहाँ पे हम लोग मैच खेलते थे, हाँ यह हम लोग का क्रिकेट होता था बहुत, हम लोग ने यहाँ करा, और यहीं से करीब मेरा पहला घर भी था, जो अब तो नहीं है, अब तो मैं कहीं और रह रहा हूँ इसी शहर में। और ये सब कॉलेज की लाइब्रेरी बने, यहाँ रमन ब्लॉक जो लिखा है, यहाँ पे भी छोटा सा एक क्रिकेट का होता था, हम लोग खेलते थे, यहाँ मेरी क्लासेस होती थी। आयुष मैं बताऊँ तुम्हें, इधर देखो जो मेरे पेपर लगते थे वो यहाँ होते थे सब। और ये पेड़ बहुत सालों पुराना पेड़ है, और एक इधर भी साइड पेड़ है, और यहाँ हम लोग का ये जो आप गेट देख रहे हैं, वहाँ मेरे प्रिंसिपल बैठते थे वहीं। और बाकी कॉमर्स से पढ़ाई मैंने करी थी, तो बहुत अच्छा लगता था। ये सब देख सकते हैं आप, ये सब टूटा है, अंदर वर्क भी चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है इस कॉलेज को। कंप्यूटर क्लासेस भी यहाँ चालू हो गई हैं, यहाँ सब कंप्यूटर क्लासेस चालू हो गई हैं, और भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है और आगे भी होगा। बच्चे आते हैं, हाँ कॉल अभी भी स्टूडेंट आते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सीतापुर का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा कॉलेज है। ये स्कूल इतना बड़ा है कि इस स्कूल में हेलीपैड और एक हॉकी फील्ड दो है, हॉकी फील्ड। और पहला स्कूल है जिसमें हेलीपैड है, जहाँ पे पूरा हेलीकॉप्टर उतरवा सकते हो। और भी यहाँ कोई भी जैसे कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो इसी कॉलेज में होता है, क्योंकि इसमें जगह बहुत ज़्यादा दी है, इसलिए आराम से सब कुछ कवर हो जाता है। काफ़ी तो यादें, यही कुछ यादें पुरानी थी जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई है। 10 साल पहले यहाँ मैच खेलते थे, तब पीछे लगा बहुत, हम लोग ने क्रिकेट बहुत खेला, बहुत क्रिकेट खेला। यहाँ बाहर ग्राउंड के बाहर ठेले लगते थे चाट के, इमली के, एक बहुत बचपन में लाइफ एंजॉय करी है, कितना बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा है। आ चुके हैं अंदर सरोनी वाटिका, एक ये गेट है यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक उधर साइड से भी, लेकिन हम लोग यहीं से रुकते हैं, क्या बोलते हो? चलो ठीक है, अभी गाड़ी पार करते हैं और चलते हैं अंदर। और यहाँ पर भी दोपहर जब धूप होती है गाइस, तब यहाँ पे काफी ज्यादा ऑडियंस आती है, वो शाम ही में होता है, मतलब मान के चलिए 4 बजे के बाद, अभी तो नहीं होगा। अभी तो हम लोग आपको यहाँ का कुछ सीन दिखाने आए, तो चलो चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे जो है। ये भी खुल गया यार, ये बदल गया, वीडियो चालू रखा करो, ये भी खुल गया यार, ये गाइस पहले बंद था इधर को, ये गेट जो था ये बंद था। और एक बार बता दूं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाग हैं, और यहाँ पे गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा हैं, ये सब फल के पेड़ हैं, सारे आम के हैं। यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं बच्चों के, और देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ काम हुआ है मतलब भर का, क्योंकि इस बार जो चेयरमैन शायद चेंज हुए, उन्होंने काम बहुत किया है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं यहाँ का। और काफ़ी लोग, मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे यहीं की रीलें डालते हैं और अच्छे खासे व्यू कमाते हैं।
और ये रहा पार्क अपना, ये सरोजनी वाटिका पार्क है। यहाँ से आपका एक स्कूल भी नजदीक है, यहाँ से कौन सा स्कूल था वो? KVS केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय स्कूल यहीं पर है, वहाँ पे एक एकेडमी भी है, स्पोर्ट्स एकेडमी। वहाँ पे गाइस फुटबॉल होता है, आप देख सकते हैं उधर तरफ फुटबॉल होता है और बैट बॉल भी होता है, मैचेस वगैरह काफ़ी होते हैं। तो अभी आपको दिखा देंगे थोड़ा ले जाके वहाँ पर। लो बना तो बना 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 इधर देखो मंदिर बन गया। डस्टबिन देखिए गाइस कैसे लगे हैं, ये डॉल्फिन मेड है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बैठा है। और मुझे ये सबसे प्यारा यहाँ का सीन लगते थे गाइस, ये पेड़ यहाँ के, आयुष ये किस चीज़ के पेड़ हैं यार, इसका मैं नाम भूल जाता हूँ। हाँ पाम के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े गाइस होते हैं पाम जुबेरा तो पाम। और यहाँ पे झूले हटा दिए गए सारे झूले इधर वाले, जितने अब जितने भी झूले लाइन से उधर कर दिए, मुझे लगता है ना काम वाम किया गया यार, देख रहे हो कितना साफ कर दिया यार, सफाई रहती है, सफाई बहुत अच्छी रहती है यार। यहाँ पे कुआं भी था वो रहा। तो गाइस ये मुझे याद सब है, मैं भूला कुछ नहीं हूँ, आया कई सालों बाद मतलब, लेकिन यहाँ पे एक कुआं था, यहाँ मेंढक बहुत होते हैं, कमल के फूल इसमें लगे रहते थे, इसमें कमल के फूल ज्यादा, लेकिन पहले ये उसका नहीं था सीमेंट का। ये क्या यार, ये कछुआ होगा यार, देख सकते हैं यहाँ पे कछुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा लेकिन अभी ऊपर आया था, इसमें कछुए होंगे और मेंढक भी कई सारे होते थे पहले। कमल के फूल ज्यादा लगते थे, अब कमल के फूल नहीं है। ये देखिए कछुआ ही है, ये देखिए गाइस आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए गाइस आ रहा है, थोड़ा पास से देखा भाग गया। काफी बड़ा कछुआ था ये, और यहाँ पूरा सब साफ सफाई करी गई है, बहुत खराब हो गया था अभी इधर बीच में ये, तो इसको मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, और काफ़ी सही है ये, मेंटेन करना भी चाहिए क्योंकि शहर की चीज़ है, अगर वही ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा। आप देख सकते हैं इस पर भी सब वर्क चल रहा है, मतलब काम अच्छा चल रहा है कहना चाहूँगा, जो भी करवा रहे हैं काम यहाँ के चेयरमैन या विधायक जो भी हैं, काम अच्छा करवा रहे हैं। और ये बताना चाहूँगा एक यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना है, ये भी ये हॉर्स वाला, ये बहुत बहुत सुंदर था ये, जब शुरू में बना था तो जब यहाँ का इसमें डेकोरेशन वाला काम था याद है तुम्हें, लाइटिंग वगैरह थी, और यहाँ पे उस समय वाले खजूर के पेड़ थे प्लास्टिक वाले डेकोरेशन वाले, उसमें लाइट्स वगैरह थी। ये एक चीज बता दूं, ऐसी जो मतलब स्टैचू होते हैं ये इटली पेरिस रोम वगैरह में ज्यादा होता है, और काफी ज्यादा अच्छा है ये, काफी प्यारा है। और यहाँ चारों तरफ झरने, यहाँ चारों तरफ झरने होते हैं, लेकिन अभी इसको भी मेंटेन किया जा रहा है। अबे अंदर आयुष देख, इसको मेंटेन कर रहे हैं फिर से ये, पहले पानी यहाँ पे था, पानी भरा रहता था, अब नहीं है। इसमें बहुत लोग आके सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, आप देख रहे हैं सामने जैसे कि, और अच्छा टाइम पास हो जाता है यहाँ पे, फैमिली भी आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इस पार्क में। सुबह मॉर्निंग में बहुत लोग आते हैं और शाम को भी आते हैं। ये चेहरे बहुत प्यारी लगती हैं यार यहाँ की, याद है आयुष हम लोग ये उसमें रखते थे अपनी कॉपियों में, गाइस हम लोग कॉपियों के बीच में रख देते थे और एक एक साल तक रखी रहती थी, ये सूख के बिल्कुल ऐसी हो जाती थी। बहुत यादें थी यार, क्या दिन हुआ करते थे वो। और ये वो झूले हैं जहाँ हम लोग ने झूले भी और बहुत बुरी बुरी तरीके से गिरे भी हैं गाइस, क्योंकि हमेशा से यहाँ चिकनी मिट्टी रहती थी, और जो भी रहने दो भाई गिर जाओगे यार, मैं तो झूला चिकनी मिट्टी थी, और जो फंस जाता था, जो पहले बैठ जाता था वो तो गया भाई, वो तो गया, उसको इतनी तेज तेज झुलाते थे या तो वो गिरता तो पक्का ही था। झूलते कैसे, अभी नहीं झूल सकते यार, अभी चिकनी मिट्टी है। अबे ऐसे कैसे झूलते। और एक झूला ये याद है, जिसका वजन ज्यादा होता था वो झूले पे झूलता था। हम लोग के क्लास में कुछ दोस्त ऐसे थे जो बहुत मोटे थे और हम लोग हमेशा से दुबले थे, तो हम लोग को इस झूले पे वो लोग झुलाते थे। अब तो मैं काफी हाइट मेरी लंबी हो गई है, लेकिन तब मजा आता था। अबे ये झूला कैसे यार, बहुत अच्छी यादें हैं गाइस जो मैं आज आपको बता रहा हूँ अपने स्कूल में। आयुष तुम्हें याद है हम लोग के स्कूल के बाहर एक इमली वाला आता था,
इमली अमरा कैफे वाला और आइसक्रीम वाला है। एक चीज और याद होनी गाइस, एक रुपए में आप यकीन नहीं करेंगे, एक रुपए में दो आइसक्रीम मिलती, एक रुपए में चार मिलती थी पाइप वाली आइसक्रीम, और एक रुपए में दो मिलती थी नारियल वाली आइसक्रीम। हम लोग को आज भी याद है, हम लोग घर से ये स्कूल के सामने जब खड़े तब जहाँ ठेले लगते थे रसगुल्ले लगता था, पता है खींचते रसगुल्ले की। सो गाइस, और ये झूला इस तरह का मैं आपको दिखा चुका हूँ, और एक ये झूला है, ये भी भाई झूला जो है कसम से बता रहे हैं, ये भी बहुत खतरनाक झूला था, इसमें भी जो बैठता था वो फंस जाता था। चलिए बैठते हैं भाई। गाइस एक तरफ पानी भरा हुआ है, पैर लटकाना नीचे। तो गाइस पानी बहुत भरा है, ज़्यादा तेज में झूला ना हो सकता है गिर जाए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अब तो डर इतना नहीं लगता है क्योंकि छोटा झूला है। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत डरते थे, रोते थे, लेकिन जो हम लोग के दोस्त थे कसम से बता रहा हूँ बहुत बहुत झिलाते थे हम लोग को, और हम लोग ने भी उन लोग को बहुत झिलाया है, और वो लोग झूला झुला के चक्कर आ जाते थे। बस भाई बस 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 रोक दे रोक दे बस भैया, मुझे तो गाइस अभी से चक्कर आ गए इतने में ही। कैसे फ्री हो, थोड़ा आगे बढ़ाओ। अब गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फंस गए हैं, जैसा कि हम लोग बस उतरने के लिए जगह होनी चाहिए, बस उतर जाओ। और आयुष याद है एक ये भी तो झूला, ये भी गाइस पुराना, ये सब मेरे हिसाब से शायद टूट गए थे, लेकिन इस पर थोड़ा वर्क हुआ है और ये अच्छे हो गए। और छोटा सा झूला है, हम लोग चढ़ते थे ऊपर और धीरे धीरे चढ़ के ऊपर पहुंच जाते थे, फिर नीचे यहाँ से उतरते थे। कितने साल हो गए यार, कितने साल हो गए, वो सब पुरानी यादें गाइस यहाँ पे। ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको अंदर थोड़ा सा शॉट दिखा दूंगा। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता था, आज भी होता है, और काफ़ी अच्छा लगता था। ओह यार ये पेड़ अच्छे लग रहे हैं, ये सब अभी हुए हैं। और बता दूं आपको, यहाँ आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, जो कि यहीं के ऑनर के हैं, बहुत सारे आम के पेड़ लगे हैं और बहुत ज़्यादा आम आते हैं, शुरू से मैंने देखा है इसमें। और ये सब झूले हैं गाइस, ये सब झूले हैं, बहुत अच्छा लगता था पहले। कुछ झूले अभी कंप्लीट हुए हैं, ये हम लोग ने बहुत खेला। आयुष ये झूला हम लोग ने गाइस बहुत झूला है ये वाला, और बहुत ही अच्छा था, मतलब ये एक तरह का हम लोग जैसे अंदर गाइस इसमें घुस जाते थे, 7-8 लड़के होते थे स्कूल के, और उसके बाद कौन निकलता था पहले, है ना। 14-15 साल हो गए गाइस, बहुत होते हैं, मतलब बहुत होते हैं। नहीं गाइस कि 14-15 साल ऐसे चले गए। और एक ये था, इस पर हम लोग कभी चढ़ ही नहीं पाते थे क्योंकि हम लोग सबकी हाइट छोटी थी उस समय, लेकिन मेरी थी, फिर भी मैं डायरेक्ट कूद के चढ़ जाता था, और आज भी मैं कूद के चढ़ जाता हूँ। देख दिखाता हूँ, आज नहीं चढ़ पा रहा है, अब मेरी बारी आती है। हाथ दर्द हो गया, मेरी बारी आती है गाइस। ये भी गाइस बहुत ज़्यादा ऊँचा है, और एक ये इस तरह से यहाँ झूला है, ये सब झूले ये तो नए लगे हैं, ये पुराना है, नहीं ये भी पुराना, ये भी पुराना, ये भी पुराना, और पजल टाइप का है, वो नया लगा है, ये नए लगे हैं, ये जितने भी इस तरीके के हैं ये सब नए लगे हैं। गाइस एक चीज़ बताओ, काफ़ी लोगों को बुरा भी लग जाता होगा, वैसे व्लॉग बनाते समय काफ़ी लोग जब देखते हैं ना तो बहुत तेज गुस्सा आती है, है कि नहीं सवाल। मतलब क्या कर रहे हैं यार, व्लॉग ही वीडियो तो बना रहे थे, इतना घूरने की क्या ज़रूरत है। तो कोई चीज़ नहीं, लोकल की सिटी है ना, लोकल की सिटी में लोग पार्क के अंदर, और एक टेम्पल भी है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है यहाँ पे। इस पार्क में गाइस एक मज़ार भी है, ये देखो, और एक टेम्पल भी है, मंदिर, एक मंदिर भी है, मस्जिद है, और काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे, लोग आके आराम करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आओ उधर से चले चले, ये देखिए गाइस ये बाग लगे हुए हैं, मिला के आप देख सकते हैं जितना भी काम हो रहा है ये सब हो रहा है गाइस, अभी ये कंप्लीट होगा, तेज बोलो, बहुत ज़्यादा होगा काम, और जितना भी है
यहाँ पे सब नए तरीके से हो रहा है, मतलब पुराना सब कुछ हटा के नया तरीका किया जा रहा है, साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और सिटी ज़्यादा कहते हैं ना कि जितना ग्रीन रहेगा उतना क्लीन रहेगा, तो इसको ग्रीन ज़्यादा करने की कोशिश किया जा रहा है। हर तरफ हरी घास वगैरह का काम हो रहा है, पेड़ पौधे नए लगाए जा रहे हैं और देख सकते हैं परमानेंट काम चल ही रहा है। अब यहाँ पे की बाउंड्री का भी काम हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये मंदिर है और काफ़ी लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। गाय मुझे बरसात नहीं पसंद है यार, मुझे बरसात के मौसम से बिल्कुल गुस्सा आती है। कहीं भी जाओ, ये पूरा बगीचा जो है ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा बड़ा आम आता है यहाँ पे और कटहल भी आता है काफ़ी यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, पार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सीतापुर के हिसाब से। आप आइए और घूमिए और अभी चलते हैं हम लोग पार्क के बाहर। जैसे बाउंड्री होते हैं कितने बने लगे।